हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स दिस इज़ योर चैप्टर नंबर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो कि एटम्स और मोलिक्यूल्स से बनी हैं उनके बनने के पीछे साइंटिफिकली क्या रीज़न है कौन से लॉज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं एटम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूल्स किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है बहुत सारी जो फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर सो माय डियर स्टूडेंट्स एंशंट इंडियन एंड ग्रीक फिलासफर्स हमेशा से इस बात को जानकर बड़े हैरान होते हैं कि अन नोन एंड अनसिन फॉर्म ऑफ़ मैटर जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जो डिविजिबिलिटी का आइडिया कंसिडर किया था बहुत पहले भारत में अराउंड 500 हंड्रेड बी सी बिफोर क्राइस्ट एक इंडियन फिलोसोफर थे बेटा महर्षि कनाथ जिन्होंने ये बात रखी थी पूरी दुनिया के सामने कि जो इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अगर हम मैटर को डिवाइड करें जिसको उस टाइम पे उन्होंने पदार्थ शब्द के साथ मेंशन किया वी शेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शेल सम एक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिविज़न विल नॉट बी पॉसिबल और हमें ऐसे पार्टिकल्स भी मिलेंगे जिनकी फर्दर डिविज़न हो नहीं सकती कभी भी अल्टीमेटली अ टाइम विल कम वेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट पॉसिबल इट इज गिवन बाय महर्षि कनाथ ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स पर माणू क्या नाम दिया महर्षि कनाथ ने इन अनडिविजिबल जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या नाम दिया परमाणु एक और इंडियन फिलासफ़र हुए पकुदा अकटेयम जिन्होंने एलैबोरेट किया इस डॉक्ट्राइन को इस तथ्य को और क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मली दे एग्जिस्ट इन कम्बाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो फिलासफ़र वाकुदा कट्टम ने ये बात रखी कि आपस में मिलकर कंबाइन होकर हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर देती हैं ना अराउंड द सेम इरा उसी टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर हुए डेमोक्रेटस एंड ल्यूसीपस उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो डेमोक्रेटिस कॉल दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स जो उन्होंने परमाणु कहा जिस चीज़ को डेमोक्रेटिस ने उस चीज़ को क्या नाम दिया एटम्स और एटम्स का अगर आपको लिटरली मीनिंग देखना है तो इसका मतलब है इनडिविजिबल जिसको डिवाइड ना किया जा सके ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसिफिकल कंसिड्रेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वेलीडेट दीज आइडियाज़ हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ में लाते हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था टिल द एटीन सेंचुरी लेकिन एटीन सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने पहचाना कि क्या डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में एंड नैचुरली वी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कम्बाइंड एंड वट हैपन्स वेन दे कम्बाइन इसके बाद एंटाइन एल लेवोइजर जिन्होंने फाउंडेशन रखी कैमिकल साइंसिस की दो लॉ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज उन्होंने दिए और जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि जब भी ये कंबाइन होंगे हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर देने में तो हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे टू लॉज और इन लॉज को देने वाला कौन है एंटोइन एल लॉइजर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ़ केमिकल कॉम्बिनेशन की द फॉलोइंग टू लॉज हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में इस्टेब्लिश किए आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेजर एंड जोसफ एल ब्रॉस्ट अंडरलाइन दिस पहला है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास ये आपको अभी नाइन्थ क्लास में भी है टेंथ में भी है आप ये लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास प्लस वन प्लस टू में भी पढ़ोगे इफ दे आर आर चेंज इन मास वेन अमिकल चेंज कैमिकल रियक्शन टेक्स प्लेस कुछ चेंज होता है जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या मास में चेंज आता है यानी कि जो आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं जो रिएक्ट हो रहे हैं दो एटम्स जो रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या एंड तक जब वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो जितना अमाउंट आपने लिया था रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने में उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट में होता है या चेंज हो जाता है ये एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया आपकी बुक में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ़ केमिकल्स एक्स और वाई ले लीजिए एक्स के भी लिखे हुए हैं नीचे केमिकल्स वाई के भी लिए लिखे हुए हैं आपने क्या करना है फाइव परसेंट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है सेपरेटली हाँ और एक्स एंड वाई का किस में पानी में टेक अ लिटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम समल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब अब हैंग कर देना है आपने इग्निशन ट्यूब को फ्लास्क में केयरफुली अब आप क्या देखोगे दीज सी दैट द सोल्यूशन्स डो नाट गेट मिक्स्ड मिक्स नहीं हो रहे पुटा कॉक ऑन द फ्लास्क देखिए ये डायग्राम बना हुआ है आपने सॉल्यूशन वाई लिया है ना कॉनिकल फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब में आप क्या डाल रहे हो एक्स सॉल्यूशन डाल रहे हो स्मॉल इग्निशन ट्यूब है ये इसको आपने हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और कॉक से आप ढक्कन बंद कर दे रहे हो तो अब आप क्या देखोगे वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली आपने क्या करना है वे करना है फ़्लास्क के कंटेंट्स को केयरफुली नॉट टिल्ट एंड स्वेल्ड द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन एक्स और वाई का जो है वो मिक्स हो जाए दोबारा फिर से वे कीजिए उसको क्या होगा जब रिएक्शन होगा फ्लास्क में डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस वाई शुड वी पुट अ काक ऑन द माउथ ऑफ़ दा फ्लास्क क्यों हमें लगानी चाहिए डज द माथ ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज क्या जो कंटेंट्स हैं फ्लास्क के अंदर और फ्लास्क का मास जो है जो उसमें लिया हुआ है हमने वाटर वो कोई चेंज होगा उसमें आइए बच्चों हम समझते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है अंडरलाइन कीजिए दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन कॉक से हमने इसलिए माउथ बंद कर दिया कि अगर गैस इवॉल्व होगी तो वो भी उसके बीच में ही रहेगी जब भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो कभी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास जो है कम या ज्यादा नहीं होता ऑलवेज रिमेंबर दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि बोथ द साइड्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मास सेम रहता है आइए देखते हैं दूसरा लॉ क्या था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोशन इसका नाम ही बता रहा है कि ये लॉ हमें क्या बताने वाला है लवाइजर ने और दूसरे साइंटिस्ट ने यह नोट किया कंपाउंड फॉर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड ईट सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन इर रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर डेड पहले ही हमने कंपाउंड की डेफिनेशन पिछले चैप्टर में मैंने आपको बहुत डिटेल में दी है वो चैप्टर आप ज़रूर देखिएगा बहुत ही बढ़िया फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिली है चैप्टर टू की वहाँ पे आपने पढ़ा ना कंपाउंड की डेफिनेशन में कि कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन है हमेशा फिक्स्ड होता है चाहे कोई भी सोर्स से आपने उसको उठाया हो फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करेंगे एग्जांपल लेंगे वाटर का हम हाइड्रोजन का मास लेंगे और ऑक्सीजन का मास लेंगे उनका जब हमने रेशियो निकाला तो वन आता टू एट आता ऑफ वाटर चाहे जो वट द सोर्स ऑफ द वाटर मे बी ना इफ नाइन ग्राम ऑफ वाटर इज रिकम्पोज वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ऑलवेज ऑप्टेंट यही बताता है वन इज टू एट रेशियो हमें सिमिलरली अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होते हैं फोर्टीन इज टू थ्री के रेशियो में जहाँ से भी आपने अमोनिया लिया हो दिस लेट टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इसी ने हमें इस तरफ लेकर गया कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन है क्या अंडरलाइन कीजिए दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाई अ प्रॉस्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने ये लॉ स्टेट किया प्रोस्ट एज क्या था ये लॉ अंडरलाइन इट इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे बाय देयर मास नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू ऑफ दीज लॉज क्या एक्सप्लेनेशन देनी है इन लॉज की ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर पिकडअपिटी ऑफ ही टुक द नेम एटम्स बाय ग्रीक्स एंड सेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर वॉट एटम्स नाउ दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डेल्टन अटोमिक थ्योरी प्रोवाइड एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोशन जॉन डेल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर वीवर्स फैमिली इन सेवनटीन सिक्सटी इन इंग्लैंड उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज अ टीचर जब वो ट्वेल्व ईयर्स के थे सेवन ईयर लेटर ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल नाउ इन सेवनटीन नाइंटी थ्री डेल्टन लेफ्ट फॉर मैंचेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए फिजिक्स पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कॉलेज में चले गई स्पेंड मोस्ट ऑफ इस लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग 1808 में बेटा ना ही प्रेजेंटेड अटोमिक थ्योरी विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर तो स्टडी ऑफ मैटर में टर्निंग पॉइंट लाने वाले कौन थे जॉन डेल्टन अकॉर्डिंग टू डेल्टन अटोमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ compound और अ मिक्सचर इज अ कम्पोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स कि जो भी एलिमेंट है कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम ऐटम्स कहते हैं तो आइए देखें फीचर्स पॉचुलेट्स क्या हैं इस थ्योरी के फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा आपको एग्ज़ाम में ये तो लॉक कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम में सारा का सारा लिखाई नंबर वन ऑल मैटर इज अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स देन एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चीज़ों को ना उसने एक जगह बांध दिया और इसको नाम क्या दे दिया एटॉमिक थ्योरी नंबर फोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट Masses एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देन फिफ्थ एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स 6th वन द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड ये लॉ ऑफ कांस्टेंट बता रहा है आपको तो इसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी मिलेगा देखने को और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी मिलेगा देखने को सिक्स्थ वाला आपको बता रहा है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपको बता रहा है सेकेंड पॉस्टुलेट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन ये वाला जो पॉस्टुलेट है ये कौन सा लॉ दिखा रहा है बेटा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास तो आपके दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए बातों ही बातों में एन सी आर टी की ये कौन सा पॉस्टुलेट है डेल्टन थ्योरी का जो हमें ये बताता है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास तो देट इज सेकेंड वन एंड विच वन

From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. What is the building block of the huge building? Whatever answer aap. brick. What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. Like building, ka, building block, brick, anthill building block, a small grain. Hai. वैसे जितने भी आपके पास मैटर्स की फॉर्म है ना सॉलिड लिक्विड गैसेस उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है एटम्स और यहाँ मैं अपनी तरफ से ना एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मुझे आदत है एक्स्ट्रा बताने की अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें ना तो लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है सेल्स ऑल लिविंग थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स नेक्स्ट हाउ बिग आर एटम्स हाउ बिग आर एटम्स साइज़ की बात करेंगे यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेक डाइज से देख नहीं पाते तो अगर हम साइज़ की बात कर रहे हैं तो ऑटोमिक रेडियस जो है दैट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट तो आप इस बॉक्स को अच्छे से देखिए समझिए वन अबाउन टेन रेस्ट पावर नाइन मीटर इज इक्वल टू वन नैनोमीटर इट मीन्स वन मीटर इज इक्वल टू टेन रेस्ट पावर नाइन नैनोमीटर ये वैल्यू आपको फिलअप की फॉर्म में एम सी क्यू की फॉर्म में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है न रिलेटिव साइजेस रेडिया मीटर एग्जाम्पल भी दे रखा है जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन की कितनी रेडियस है टेन रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस टेन वैसे ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन ग्रेन ऑफ सैंड एंड वॉटरमेलन तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इतने अच्छे से प्रजेंट की गई हैं द फॉर्म ऑफ टेबल नेक्स्ट देखिए वी माइट थिंक दैट इफ़ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज वाई शुड वी केयर अबाउट देम हाँ इतने छोटे हैं इन सिग्निफिकेंट साइज़ है जो हम देख भी नहीं सकते तो हमें इनके इतना ध्यान रखने की क्यों ज़रूरत है क्यों पढ़ रहे हैं हम चैप्टर में एटम्स दिस इज़ बिकॉज आर इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम जितना नॉन लिविंग वर्ल्ड हम देख रहे हैं सारा का सारा किससे बना है एटम से तो जानना तो ज़रूरी है ना वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली इफेक्टिंग वट एवर वी डू अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम क्या ज़रूरत है आइटम के बारे में पढ़ के आए हुए मैं आप हमें बताई जा रहे हो बिना जाने भी तो हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं ना आराम से तो बेटा एनिमल्स में और सोशल एनिमल्स में यानी कि हम में फ़र्क तो है ना अगर हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन का क्या फ़ायदा क्यों भगवान ने हमें इंसान बनाया ऐसे ही लाइफ में आए और ऐसे ही चल दिए तो कम से कम ये सोच कर कि वी आर ह्यूमन बींग्स द ग्रेटेस्ट क्या कहते हैं उसे रचना भगवान की है ना क्रिएशन ऑफ गॉड द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड ब्यूटिफुल क्रिएशन वंडरफुल क्रिएशन ह्यूमन बींग्स हैं सो वी मस्ट नो इट इज़ आर ड्यूटी टू नो ईच एंड एवरी थिंग हाँ यही सोच के पढ़ लो थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेज ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स अब तो हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं एलिमेंट के अंदर जो एटम्स का स्ट्रक्चर है उसे ये सिलिकॉन का सरफेस दिखाया है मैग्नीफाई करके वॉट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम बात करें ना मॉडर्न डे की आज की है ना प्रेजेंट की तो हमारे पास सिम्बल्स हैं एटम्स के एलिमेंट्स के तो डेल्टन कौन था ही वॉज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस जब डेल्टन ने सिम्बल यूज़ किया ना एलिमेंट का तो इसका मतलब क्या है कि उसने डेफ़िनेट क्वांटिटी बता दी उस एलिमेंट में एटम्स की हाँ जैसे बर्जीलियस ने क्या सजेस्ट किया हमें कि सिंबल्स जो हैं एलिमेंट्स के वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट से बने हुए हु? आपको ये सिंबल्स याद भी हैं नहीं हैं तो कर लीजिए ये यूज़ किए गए थे प्रपोज़ किए थे किसने डेल्टन ने

नाउ डज़ आई यू पी एस सी अंडरलाइन दिस वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई यू पी एस सी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उन्होंने अप्रूव किए एलिमेंट्स के नाम मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज अ कैपिटल लेटर उसको अपर केस में लिया जाएगा एन द सेकेंड लेटर एज द स्मॉल लेटर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करें तो हम कैपिटल एच लेते हैं एल्युमिनियम की बात लें तो हमने एल्युमिनियम का ए एल लिया है फर्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द रूल कैपिटल है ए और सेकेंड लेटर अकॉर्डिंग टू द रूल स्मॉल है एल इसको कभी भी कैपिटल ए एंड कैपिटल एल नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नाउ थर्ड वन कोबाल्ट देखो आप सी कैपिटल है ओ छोटा है है ना दोनों को अगर हमने कैपिटल में लिख दिया ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है क्या बन जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कुछ और ही निकल के आएगा कोबाल्ट तो हमें दिखेगा ही नहीं कहीं नौ सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम एग्जाम्पल क्लोरीन हाँ क्लोरीन में देखो सी कहाँ से लिया एल कहाँ से लिया जिंक जेड कहाँ है एन कहाँ से लिया है अदर फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लेटिन जर्मन और ग्रीक फॉर एग्जांपल, द सिंबल ऑफ आयरन इज कैपिटल एफ एंड स्मॉल ई फ्रॉम इट्स लेटिन नेम फेरम, हाँ फेरम से लिया है इसका सिंबल। सोडियम अब आप बोलोगे ना मैम आयरन तो आई आर ओ एन होता है तो आई आर या आई क्यू नहीं लिया हमने एफ ई लिया लेटिन नेम से तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका हमने सिंबल ड्राइव किया है उनके लेटिन नेम से क्लियर ना सोडियम को भी देख लो आप नेट्रियम से लिया है पोटेशियम के लिया है हमने केलियम से तो फटाफट से इन एक्सेप्शंस को ना या नोट डाउन कीजिए अंडरलाइन कीजिए और फटाफट अपने जो ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट है ना जहाँ पे हम मेमोरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पे इसको स्टोर कर लो देयर फॉर ईच एलिमेंट हैज अम एंड अक केमिकल सिम्बल अब एक टेबल है आपके सामने सिम्बल्स फॉर सम एलिमेंट्स इस टेबल को देख लो ध्यान से अब देखने के बाद क्या करना है मैम देख लिया आप क्या करें अब इसे लिखो और तब तक लिखो जब तक आप बिना देखे वर्ड का सिम्बल ना लिख लो या सिम्बल से वर्ड ना बना लो तब तक लिखो ठीक है द अब टेबल इज गिवन फॉर यू टू रेफर टू वेन एवर यू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स डू नॉट बॉर्डर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो आपको सारे सारे वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूसेज यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सिम्बल्स नो ऑटोमिक मास थ्री पॉइंट टू पॉइंट टू वेरी इंपॉर्टेंट आपका काम शुरू हो गया डिफाइन एटॉमिक मास क्या होता है एटम तो मैम आपने समझा दिया थ्योरी भी समझा दी हमें सिंबल भी बता दिए अब जाओ एटॉमिक मास पे देखिए चैप्टर कितना सिंपल है आप मेरी वीडियो को ना अगर देखना नहीं चाहते हो अपनी साइंस की बुक देखो क्योंकि मैंने कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है बेटा हर लाइन का मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया है जो पढ़ने में सच में इंटरेस्टेड है ना बच्चा उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है साइट पे वीडियो को ऑन करके लगा दो और अपनी साइंस की बुक उठा लो आपको हर लाइन की जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनाई देगी और समझ में भी आएगा ये मेरी गारंटी है देर आर सो मैनी लेम एक्सक्यूज लेकिन सक्सेस पाने के लिए कोई एक्सक्यूज़ मायने नहीं रखता खूब पढ़िए आगे बढ़िए लाइफ में ठीक है आगे बढ़ने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है पीछे जाने के लिए नहीं अदरवाइज हमारी एज बढ़ने की जगह ना कम होती जाती है, है हर चीज़ जो है नेचर का ये लॉ है कि वो प्रोग्रेस करती है तो हम कितना अच्छा प्रोग्रेस करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हमारे पास ब्रेन है जो बहुत सारे लिविंग बींग्स के पास नहीं है कम है आइए देखते हैं अटोमिक मास क्या है मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डेल्टन अटोमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटोमिक मास अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू डेल्टन ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक अटोमिक मास तो किसने ये फंडा हमें दिया अटोमिक मास का डेल्टन ने द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर्क prompted टू मेयर द atomic मास ऑफ एन atom सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल atom was अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क रिलेटिव atomic masses were determined यूजिंग द लॉज ऑफ केमिकल combinations एंड द compounds formed आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्यों इतना दिमाग पे प्रेशर डालना है एटॉमिक मास का एग्जाम्पल से समझते हैं आपके पास ना एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना है बहुत पॉइजनस होता है ये बता दूँ आपको इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है जब और बर्निंग का प्रोसेस हो तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है अब है क्या इसमें इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट थ्री ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन्स विद फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो कार्बन कंबाइन कर रहा है फ़ोर बाय थ्री टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन क्लियर सपोज करो हम डिफाइन कर रहे हैं अटोमिक मास को एम यू से बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आई यू पी एसी रिकमेंडेशन एम यू को हम ना यूज़ नहीं करते ज़्यादा हम ए एम यू की जगह सिर्फ यू लिख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड Mass as equal to the mass of one carbon atom. Then we would assign carbon as an atomic mass of 1.0 unified mass and as possible. वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस अटोमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली वर्क वन बाय सिक्सटींथ ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट पहले ऑक्सीजन लिया था साइंटिस्ट ने कि वन बाय सिक्सटींथ मास है एटम का नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन का उसको हम वन ए एम यू ले लें ठीक है लेकिन ये रेलिवेंट नहीं था दो कारण थे इसके दिस वॉज कंसिडर्ड रेलेवेंट ड्यू टू टू रीजन्स आई एम सॉरी ये रेलिवेंट था बिकॉज ऑफ टू रीजन्स नंबर वन ऑक्सीजन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था कंपाउंड बनाता था इसलिए हमने सोचा ऑक्सीजन को ले लें इसका जो अटोमिक मास था वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स क्योंकि ऑक्सीजन का अटोमिक मास कितना होता है बेटा सिक्सटीन

द मास ऑफ़ एन एटम ऑफ़ कार्बन ट्वेल्व अंडरलाइन दिस वन एम यू इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व द रिलेटिव अटोमिक मासिज ऑफ ऑल एलिमेंट्स है्बन टवेल्व बाकी सबका भी इसी को स्टैंडर्ड लेके फाइंड आउट किया जाता है अब इसको समझोगे कैसे मैम समझ में नहीं आया आपने क्या बताया तो फटाफट वड़ से वाटरमेलन ले लो ना नहीं है तो मंडी से जाकर अभी लेके आओ वॉटरमेलन को आपने कितने हिस्सों में काटना है ट्वेल्व में कैसे ही मेक्स इक्वल ऑफ ऑफ द द एंड फाइंड मास ईच फ्रूट ही इज सेलिंग अब उसने क्या किया फ्रूट सेलर ने ट्वेल्व हिस्से किए वाटरमेलन के इक्वल और बाकी के फ्रूट्स बेचना शुरू कर दिया उसने अब वो क्या कह रहा है कि जो हर एक पीस है ना वन ट्वेल्थ ऑफ वाटर मेलन एक पीस क्या है वन ट्वेल्थ ऑफ वाटरमेलन क्यों क्योंकि वाटर मेलन के कितने इक्वल पीसेस हैं ट्वेल्व बात समझ में आ रही है हाउ द फ्रूट सेलर कैन वे द फ्रूट्स वेइंग पीसेस ऑफ वाटर मेलन अब वन ट्वेल्थ हिस्सा जब उसने वेइंग बैलेंस के एक तरफ रखा तो उसके मेजरमेंट से बाकी के एलिमेंट्स को वे करके बेचना शुरू किया अब समझ में आया आपको कि बाकी एलिमेंट्स का जो वेट है दैट इज़ विद रिस्पेक्टिव टू द वन बाय ट्वेल्थ ऑफ वाटर ठीक है एक पीस वन बाय ट्वेल्थ हुआ ना वाटरमेलन का तो उसी हिसाब से वन बाय ट्वेल्थ अगर हम कार्बन एटम का लेते हैं ये कार्बन के हम बारह हिस्से करते हैं और उसके एक हिस्से को हम यूज कर रहे हैं बाकी के एलिमेंट्स को मेयर करने के लिए तो उसको हम बोलेंगे वन ए एम यू अटोमिक मास यूनिट क्लियर आई होप इट इज क्लियर ओहो ये क्या हो गया यस सिमिलरली द रिलेटिव अटोमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम एज़ कम्पेयर टू वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑटोमिक मासज़ ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स देखिए हाइड्रोजन का ऑटोमिक मास है वन कार्बन का ट्वेल्व अटोमिक मास एटोमिक मास मैम है क्या ये कार्बन का अटोमिक नंबर तो सिक्स होता है ये ट्वेल्व क्या है बेटा आप इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ इसका फॉर्मूला हम एन सी आर टी को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है है ना जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो अगर उनको मैंने एटॉमिक मास की डेफिनेशन अभी बता दी तो आगे फिर वो सुनेंगे नहीं ना तो ये टेबल एटॉमिक मास का है इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी देर में इसका फॉर्मूला थ्री पॉइंट टू पॉइंट थ्री देखिए हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट ऐटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आइंस दीज मॉलिक्यूल्स और आइंस एग्रीगेट टू लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील और टच तो डिफाइन अटोमिक मास यूनिट मैंने बता दिया आपको वन बाय ट्वेल्थ लेते हैं हम कार्बन का और वाई इज इट नॉट तो पॉसिबल टू तो सी एन एटम विद ने इट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल हाँ नैनोमीटर सटोमिक रेडिया होती है इसकी दैट कांट बी सीन विद द नेट इज अ मॉलिक्यूल एटम्स के साथ हमने चैप्टर का नाम में पढ़ा था ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ये आपका चैप्टर नंबर थ्री एटम्स के बारे में बहुत होगी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में वॉट इज अ मोलिक्यूल अ मोलिक्यूल इज अ जर्नल इन अर्नल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स बहुत सिंपल है टू या फिर टू से थोड़े ज़्यादा एटम्स को कंबाइन करके जब हम देखते हैं ना केमिकली बॉन्डेड टुगेदर तो हम इस टाइटली हेल्ड टुगेदर चीज को ना अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसकी वजह से ये टाइटली बॉन्डेड है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं अंडरलाइन कीजिए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंट एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा इसके पास बहुत सारे टू और मोर एटम्स हैं कंबाइंड फॉर्म में एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टांस नाउ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स क्लियर नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में है क्या द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूट बाई द सेम्पल सेम टाइप ऑफ एटम्स बिल्कुल सही है अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं और प्योर सब्सटेंस का मतलब है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से किया है तो जब भी हम एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उसमें एटम्स भी उसी टाइप के होंगे सेम अब अगर हम बात करें यहाँ पे आर्गन हीलियम दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन atom ऑफ that एलिमेंट बट दिस इज नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ़ द नॉन मेटल्स अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें नॉन मेटल ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के पास टू एटम्स हैं डाईटोमिक मॉलिक्यूल है अगर हम थ्री ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो ओजोन बन जाता है ओ थ्री तो इसका मतलब हमारे पास जो ये नंबर डिफरेंट आ रहे हैं एटम्स के इनको हम क्या बोलेंगे इनको हम बोलेंगे atomicity.

लेटेस्ट लुक एट दटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स देखिए कुछ नॉन मेटल्स की अटोमिसिटी आर्गन इज मोनाटोिकलियम इज यानी सिंगल एटम है मोनो का मतलब है वन वन एटम प्रेजेंट है इनके मॉलिक्यूल में और अगर मैं बात कर रही हूँ ना हीलियम की तो मोनोटॉमिक है लेकिन ऑक्सीजन की जब मैं बात करूँगी तो ऑक्सीजन कभी भी सिंगल ओ यानी वन एटम में एग्जिस्ट करता ही नी नहीं नेचर में अब इसका रीज़न ये भी है कि ये स्टेबल नहीं होता उस फॉर्म में है ना ये चीज़ आपको आगे टेंथ में जाके समझ में आएगी कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पर आप ये समझ लो कि बस नहीं करते तो नहीं करते है ना ज़्यादा साइंस में हमें नहीं घुसना टेंथ में देख लेंगे अभी नाइन्थ को संभाल लेते हैं ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है ओ टू की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा नेचर में हाइड्रोजन भी डायटोमिक है नाइट्रोजन डायटोमिक है क्लोरीन डायटोमिक है फॉस्फोरस तो वही कमाल है एटॉमिक है और जो सल्फर है वो तो एटॉमिक है एट सल्फर एटम्स मिलकर कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल है एस एट एट एटम्स को कंबाइन करके बना है इसलिए हम इसको बोल देते हैं पॉलीअटमिक तो ये आपको एग्जाम में बेटा बड़े अच्छे से पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में इसलिए बड़े अच्छे से इसको याद कर लो 3.32 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कुछ एग्जाम्पल हैं टेबल में आइए देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स कंपाउंड के नाम दे रखे हैं बेटा आपको कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं वाटर के अंदर है क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इनका रेशियो दिया वन इज टू एट इस तरह से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको गिवन है नेक्स्ट इज वॉट इज एन आयन न कंपाउंड्स कम्पोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज जो ये कंपाउंड बनते हैं जिनमें मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं इनके पास चार्ज स्पीशीज होती हैं यानी इनके जो एटम्स होते हैं वो चार्ज होते हैं तो इन चार्ज स्पीशीज को हम एटम्स नाम बोलकर क्या बोलते हैं आयन्स एन आयन इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ कॉल्ड एन अन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम अनायन बोलेंगे और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे कटाइन तो ये अनायन और कटाइन की कन्फ्यूजन ना आपकी बहुत लंबी चलती है इसलिए ध्यान से फिर से सुन लो नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कटाइन अंडरलाइन दिस फॉर एग्जाम्पल बेचारा हमारा सोडियम क्लोराइड हर जगह इसका एग्जाम्पल दिया होता है और ये इसके बिना हमारा भोजन भी अधूरा है।, है ना साइंस भी अधूरी है भोजन भी अधूरा है एन देखो इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइन्स अब पॉजिटिवली चार्ज है तो सोडियम आइन्स को क्या बोलेंगे हम कटाइन ओके और जो क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे अनाइन अब बात क्लियर होगी क्योंकि देने वाला जो है उसको बोलेंगे हम सोडियम पॉजिटिव है ना डोनर है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है क्योंकि एक्स्ट्रा है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आएगी इलेवन एटॉमिक नंबर होता है ना तो टू एट दोनों शेल्स भरे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल और जो इसका बाहर वाला शेल है उसमें वन ही रह जाता है जिसके कारण ये हाईली अनस्टेबल फील करता है तो ये अपना एक दे देता है क्लोरीन को क्योंकि क्लोरीन भाई साहब के पास सेवनटीन एटॉमिक नंबर है तो टू एट सेवन है इसके अकॉर्डिंग टू बोहरस अटोमिक मॉडल तो सेवन है तो इसको बड़ी बेचैनी हो रही है क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है इसको एट चाहिए आउटर मोस्ट ऑक्टेट में तो ये एक ले लेता है अपने भाई से सोडियम से दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो हमेशा साथ, -साथ में रहने की कस्में खाते हैं और जो बॉन्डिंग उनके साथ बनती है आयनिक बॉन्डिंग वो उनको सोडियम क्लोराइड बना देती है ठीक है तो क्लोरीन क्या हुआ आपका नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं अनाइन ठीक है आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स या तो ये सिंगल चार्ज एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे ग्रुप ऑफ एटम्स के भी आप में आपकी बुक में बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है दैट अ नेट चार्ज ऑन देम नेट चार्ज होता है उसमें ग्रुप ऑफ जो आयंस होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स लर्न मोर अबाउट दिन ऑफ आइन इन चैप्टर नंबर में पढ़ेंगे सम आइनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है मैग्नीशियम सल्फाइड है सोडियम क्लोराइड है इनका रेशियो बायस दिया हुआ है इस टेबल में राइटिंग केमिकल फॉर्मूला किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखना है हमने अगर हमें कोई कंपाउंड दिया है उसकी सिंबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है है ना तो हमें उसका केमिकल फार्मूला लिखना पड़ेगा पहले उसके सिंबल्स लिखने पड़ेंगे फिर उसमें कितने एटम्स हैं वो लिखने पड़ेंगे द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन क्या क्या है उसमें कंपाउंड में सिम्बोलिक रिप्रजेंटेशन जो कंपोजिशन की है दैट इज़ नोन एज द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड अंडरलाइन दिस आप डिफरेंट के केमिकल फॉमूला लिखना बहुत आसान है इसके लिए आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे उनके अटोमिक नंबर याद करने पड़ेंगे तो नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ सम का इस टेबल में आपको दिया इस टेबल को आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लो ठीक है लगा लो और रोज़ जैसे आप भगवान की आरती करते हो ना तो इनको सुबह उठकर आपने देखना ज़रूर है जब तक ये आपको बाय हार्ट लर्न नहीं हो जाते इसके बाद आ जाइए वी नीड टू लर्न द सिबल्स एंड कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ़ द एलिमेंट्स द कम्बाइनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वेलेंसी ये वेलेंसी बहुत तंग करती है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को बच्चे हमेशा सीखते रहते हैं मैम वेलेंसी नहीं आप पता हमें वेलेंसी कब आएगी जब आपको ऑटोमिक नंबर का पता होगा बोहर मॉडल के जो रूल्स हैं डिफरेंट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आउटर मोस्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं कितने वो लूज़ कर सकता है कितने गेन कर सकता है ये जो प्रॉपर्टी है आउटर मोस्ट शेल वाली बेटा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी वो एक एटम दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग में जाएगा रिएक्ट करेगा है ना कंपाउंड बनाएगा तो उस केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपस में दोस्ती करते हैं बाकियों को कोई लेना देना नहीं होता तो कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए और कितना देना है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है कि हर कोई आ, स्टेबल रहना चाहता है है ना हर किसी को मोक्ष चाहिए तो यहाँ एटम्स को भी चाहिए तो इनको स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं तो जो कंबाइनिंग पावर है वो सारी की सारी किसके पास है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के पास जिनको हम कहते हैं वेलेंसी क्लियर ये इसकी पार है कि हमने लेन देन कैसे करना है देने हैं लूज करने हैं या लेने हैं कितने देने हैं कितने लेने हैं दैट इज नोन एज वैलेंसी Now, valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. So, the formula valency ka very bada role. The valency of the atom of an element can be thought of as hands or arms of that atom. Human beings have two arms and an octopus has eight. If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner, that all the eight arms of the octopus and both arms of all the humans are locked how many humans do you think the octopus can hold now represent the octopus with oxygen and humans with hydrogen can you write a formula for the combination do you get oh4 as the formula yes the subscript 4 indicates the number of humans held by the ऑक्टोबस बाई गॉड द वेलेंसीज ऑफ सम कॉमन आय गि इन टेबल थ्री पॉइंट सिक्स वी विल लर्न मोर अबाउट वेलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर तो इस चैप्टर में मजे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पसीने चोटने वाले द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज आइए देखो रूल्स क्या हैं द वेलेंसीज और चार्जेज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस वैन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल अब देखो पहला रूल क्या है केमिकल फार्मूला का कि जो वेलेंसीज हैं ना चार्जेस लगे हुए हैं जो जो चार्जेस गुना किए हैं हाँ द वेलेंसी और चार्जेज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर ये वैलेंस नहीं है तो फिर गड़बड़ है मैंने कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल जब एक कंपाउंड के पास एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो जो नाम और सिंबल देना है तो पहले हम मेटल का नाम देते हैं हमेशा याद रखो सिंबल हम सबसे पहले किसका लिखते हैं कंपाउंड में मेटल का जैसे वाटर है वाटर में हैं तो दोनों नॉन मेटल लेकिन हाइड्रोजन को प्लेस किया ना पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्योंकि वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है तो एच टू ओ लिखते हैं हम कभी भी ओ एच टू नहीं लिखते ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने बात की है तो कैल्शियम जो है हमारा पहले आता है ऑक्सीजन के सोडियम क्लोराइड में मेटल सोडियम पहले आता है आयरन सल्फाइड में आयरन पहले आता है सल्फर नॉन मेटल है आपका कहने का मतलब क्या है कंपाउंड में मेटल का जो नाम है उसका सिंबल पहले आता है नॉन मेटल से ओके okay? अगर आपका कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बना है तो दूसरी बात इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयन्स। अगर कोई कंपाउंड पॉली एटॉमिक आयन से बना है द आयन इज इंक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर्स टू इंडिकेट द रेशियो इन केस द नंबर ऑफ एटॉमिक आयन इज वन द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड वो कह रहा हैं पोलीअटोमिक आयन के केस में जब आप कंपाउंड्स बनाते हो तो आयंस को हम इंक्लोज करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं है ना बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो लेकिन अगर आपका पॉलीएटॉमिक का जो आयन का चार्ज है वो वन है है ना तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हु? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे माइनस वन है हाइड्रोक्साइड का तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर हम बिना ब्रैकेट के भी ओ OH एच को लिख सकते हैं ठीक है एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड नाउ फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स ये बहुत सारे फार्मूले दिए हैं आपको सिंपलेस्ट कंपाउंड्स के विच आर मेड अप ऑफ टू और डिफरेंट एलिमेंट्स कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स वैलेंसीज ऑफ सम आर गिवन इन समेबल थ्री पॉइंट फार्मूला फॉर कंपाउंड्स वाई राइटिंग द केमिकल फार्मूला और कंपाउंड्स वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसिस एज शोन बिलो देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसेज ऑफ द कम्बाइनिंग तो जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे और उनकी वैलेंसेज लिखेंगे और देखो हमने कैसे क्रॉस ओवर करके वैलेंसिस को कंबाइनिंग एटम्स के साथ लिखा है फॉर्मूला जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड पहले एलिमेंट के सिम्बल लिख लिए हाइड्रोजन का एच क्लोराइड का सी एल सिंबल लिख लिए उसके बाद आप हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए वन देन क्लोरीन को भी वन चाहिए हमने क्रॉस कर दिया हाँ मस्ट क्रॉस ओवर ज़रूरी है फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया एच सी एल अब यहाँ तो वन वन वैलेंसी थी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी एच सी एल लिख दिया हमने नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है वैलेंसी वन है तो हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए हाइड्रोजन की वेलेंसी वन है और ये वेलेंसी तो फिक्सड ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी चेंज होने वाला है ही नहीं सल्फर की कितनी है टू है क्रॉस करेंगे तो एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बन जाएगा ठीक है सल्फर को स्टेबल होने के लिए अब आप ये देखो ना यहाँ पे वेलेंसी ठीक है वेलेंसी का मतलब क्या है मैंने आपको पहले ही बताया कंबाइनिंग पावर है कैपेसिटी है और इसका रिलेशन सीधा सीधा आउटर मोस्ट शेल से है कि स्टेबल होने के लिए एटम को लूज़ करना है तो वहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन और गेन करना है तो वहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन तो कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं है, मैम प्लस वन माइनस वन में क्या डिफरेंस है प्लस वन है तो लूज़ किया है एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए और माइनस वन है तो माइ वन इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है स्टेबल होने के लिए क्लियर आई होप क्लियर है नहीं है तो क्यों नहीं है थर्ड फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सिंबल देखिए लिख लिया हमने दोनों का वेलेंसीज भी लिख ली यहाँ कार्बन की वैलेंसी फोर है क्लोरीन की वन है हाँ मस्ट क्रॉस ओवर और हमारे पास फॉर्मूला बन गया सी सी एल फोर फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ़ कटाइन एम जी सिंबल है मैग्नीशियम का टू पॉजिटिव यानी दो इसने लूज करने हैं फर्स्ट फॉलोड बाई द सिंबल ऑफ एन आयन क्लोराइड वन गेन करना है देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला एम जी सी एल टू ओके तो ये फॉर्मूला है हमारे पास दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर टू क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम आयन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट भी न्यूट्रल एक के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो हम न्यूट्रल हमारे पास आएगा जो भी स्ट्रक्चर निकल कर आएगा नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयस आर नॉट इंडिकेटेड जो फार्मूला हमारे पास आया है उसके ऊपर हमने चार्जेस नहीं लगाए हैं क्यों नहीं लगाए हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गए इसलिए हमने नहीं लगाए हैं न्यूट्रल है ही सम मोर एग्जाम्पल्स एलुमियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है देन सोडियम नाइट्रेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सभी में नोट दैट द फॉर्मला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इथ सी एच टू अब यहाँ पे देखो हमने सी ए ओ एच टू सिंपल नहीं लिखा ब्रैकेट लगाया क्यों लगाया यहाँ पे क्योंकि वन नहीं है है ना जो आयन है उसके जो वन नहीं है कैल्शियम की कितनी वैलेंसी है टू है तो वो किसके साथ जाएगी ओ के साथ जाएगी ओ OH OH एक पॉली अटोमिक आयन है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे वन होती तो फिर लिखने की जरूरत नहीं थी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में है हाँ ना सोडियम की वन होती है तो हम उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते ओ OH को हम एन सीधा लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर कैल्शियम की टू है तो हमने ओ OH को ब्रैकेट में लिख फिर वैलेंसी लिखनी है कैल्शियम की उसके नीचे ओके वी यूज़ ब्रैकेट्स वेन वी हैव टू अर मोर ऑफ द सेम आइंस इन द फार्मूला हे आर द ब्रैकेट अराउंड ओ एच विद दब्सक्रिप टू इंडिकेट दियर आर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ज्वाइंग टू वन कैल्शियम एटम इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है अमोनियम सल्फेट का तो ये चीज़ें ना बेटा यहाँ क्वेश्चन हैं जो आप बहुत ईजीली कर लोगे मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर क्योंकि अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मोलिकुलर मास एंड मोल कन्सेप्ट बेटा ये डिलीटेड पोर्शन है आपका तो हम इस साल तो नहीं करेंगे इस पोर्शन को नेक्स्ट ईयर इस पोर्शन की सेपरेट वीडियो में आपको ऐड कर दूंगी मोल कन्सेप्ट जो है दिस ईयर इट इज़ डिलीटेड बाय सी ओके तो नेक्स्ट ईयर आपको इसकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट कन्सेप्ट है ये वट यू हैव लर्न ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सम ऑफ द मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है प्योर केमिकल कंपाउंड है तो एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होंगे डेफिनेट प्रपोर्शन में एन आइटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये हमें बता दिया गया है अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांसेज कैमिकल uh, फॉर्मूला क्या है उसके कॉन्स्ट्स को दिखाता है नंबर ऑफ़ एटम्स को दिखाता है जो कंबाइन कर रहे हैं एलिमेंट में क्लस्टर ऑफ एटम्स बहुत सारे आइटम्स एटैक्स एट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलिटोमिक आयन्स और उनके ऊपर फिक्स्ड चार्ज होता है जो कभी चेंज नहीं होता फॉर एग्जाम्पल ओ एच नेगेटिव द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाई द वेलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट वेलेंसी को आपको जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा आप वैलेंसी का पता लगा ही नहीं सकते इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड नाउ साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल कार्बन ट्वेल्व के बारे में हमने पढ़ा डाइवेड्रो कॉन्सटेंट सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एज ट्वेंटी थ्री इज डिफाइंड ये मोल कन्सेप्ट के पार्ट्स हैं ओके बेटा आपने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना आई होप कि आपको कन्सेप्ट क्लियर होंगे मोल कन्सेप्ट की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी लेकिन नेक्स्ट ईयर मिले भी इस साल ये पोर्शन डिलीटेड है थैंक यू खुश रहो स्वस्थ रहो अच्छे से पढ़ो इन्जॉय करो थैंक यू हैव डे